हाय गाइस, आज हम लोग आ चुके हैं वाटर पार्क, आइसलैंड वाटर पार्क, जो कि काफ़ी दिनों से सोच रहे थे आने के लिए। तो फाइनली आज आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद है जुनेद भाई। आज हम लोग फुल एंजॉय करेंगे, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। ये है वाटर पार्क, जो कि काफ़ी अच्छा है। और ये है मेन गेट। अभी हम लोग टिकट वगैरह नहीं लिए हैं, कितने का टिकट है मुझे भी नहीं पता है। आई थिंक 350 का टिकट है, 350 का है। जितना भी टिकट पड़े, जितने का भी टिकट पड़ेगा टिकट तो लूँगा, जब इतना दूर से आया हूँ। ये पार्क सिर्फ और सिर्फ इंजॉय के लिए है। यहाँ पर जो है बहुत सारी जो है एक्टिविटीज़ है, और सारी एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करूँगा। देख सकते हैं एडवेंचर आइसलैंड, काफ़ी मस्त पार्क है, जो कि मैं भी यूट्यूब पर देख कर आया हूँ। इसी तरह नेट पर देखा करता था पहले, पर आज जो है रियल में आ चुका हूँ, जो कि काफ़ी मज़ा आ रहा है। और अभी तो कुछ भी हम लोग एक्टिविटीज नहीं किया हूँ, और अब जो है टिकट लेने जा रहा हूँ। तो ये है एंट्री गेट। आज हम लोग जो है बैग वगैरह चेक करवा लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर बैग वगैरह चेक होता है। टिकट लेने जा रहा हूँ ना, टिकट कहाँ पे? इधर उधर इधर नहीं यार, टिकट काउंटर उधर है। गाइस 10:20 हो चुका है, अभी तक टिकट काउंटर जो है ओपन नहीं हुआ है। देखता हूँ कब तक ओपन हो रहा है, क्योंकि हमारे पास समय कम है और एक्टिविटीज ज़्यादा है, तो समझ नहीं आ रहा कि टिकट काउंटर कब ओपन होगा। गाइस ये है स्विमिंग पूल, जो कि हम लोग अभी जो है तैरने वाले हैं, जबकि मुझे भी तैरना नहीं आता है। और टिकट काउंटर ही समझ नहीं आ रहा कि किधर है, अभी तक टिकट जो है हम लोग लिए नहीं है। तो जा रहा हूँ टिकट लेने के लिए, समझ नहीं आ रहा कि टिकट काउंटर कहाँ है। गाइस फाइनली यहाँ तक पहुँच चुका हूँ बिना टिकट का, जहाँ पर जो है प्लेन रखा हुआ है। गाइस अभी जो है टिकट नहीं मिल रहा है, 11 बजे के बाद जो है टिकट काउंटर ओपन होगा, और 11 बजे के बाद ही जो है एक्टिविटीज शुरू होगा। तो अभी मैं आपको बाहर बाहर का भी दिखा रहा हूँ, जो कि ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाहर का कोई टिकट चार्ज नहीं है। फाइनली जो है हम लोग ऊपर चढ़ चुके हैं, और देख सकते हैं पता नहीं ये सब क्या है, मुझे भी नहीं पता है। और ऊपर का लुक देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ से जो है आप जो है बाहर का भी व्यू देख सकते हैं, काफ़ी शानदार है, जहाँ पर हम लोग एक्टिविटीज़ करेंगे। दोस्तों जहाँ पर अभी खड़ा हूँ यह है मॉल, यहाँ पर हमारा जो है कोई काम नहीं, शॉपिंग वगैरह नहीं करूँगा। और ये जो है चाचा जो यहाँ पर ड्यूटी करते हैं, टीम एफएम का मतलब क्या है? अच्छा, शोरूम। आप यहाँ पर ड्यूटी करते हैं, ये पूरा मॉल है आपको? अच्छा, तो एक्टिविटीज़ किधर है? पीछे होगा। अच्छा, संडे के दिन को रुपये चार्ज एक्स्ट्रा लेते हैं? पता नहीं भैया, ऐसे तो नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर कपड़ा वगैरह मिलता है? हाँ, ये है सब कपड़े का। अच्छा, ये सारे जो है कपड़े का मॉल है। इस मॉल का नाम मेट्रो मॉल है? हाँ। अच्छा अच्छा, मेट्रो वॉक, ठीक है। ये इस मॉल का जो नाम है मेट्रो वॉक। और यहाँ पर जो है डांसिंग वगैरह भी है, डांसिंग क्लब भी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है। फाइनली टिकट काउंटर ओपन हो चुका है, जो कि एक टिकट का जो प्राइस है 500। इसी तरह 15 एक्टिविटीज़ है यहाँ पर, जो कि करने वाले हैं। गाइस हम लोग जो है टिकट ले चुके हैं, एक टिकट का जो लगभग जो है 500 रुपये पड़ गया है, और कहीं कहीं जाने का जो है अलग टिकट भी लगता है। तो आप लोग टिकट देख सकते हैं, जो कि ऑफलाइन लिया हूँ। एक ये है, दूसरा ये है। कितना लिया जुनेद? 5000 रुपये। 1000 रुपये लग गया दोनों का ना। तो इंजॉय करके जाना है कि नहीं? मैं तमाम गाइस को ये मशवरा दूंगा, इंजॉय योर लाइफ, जिंदगी से लुत्फ लें। और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल से भी इंजॉय ले सकते हैं ना, हमारे चैनल से लुत्फ लें, लुत्फ अंदोज हों ज़्यादा से ज़्यादा। आगे भी मज़ा लेने के लिए चैनल को जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए,
अभी आपके एक भी एक्टिविटीज नहीं दिखाया हूँ जो कि अभी दिखाने वाला हूँ, तो अंत तक बने रहिए। सो गाइस फाइनली हमारा जो है एंट्री हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, धूप भी पड़ रही है और ये देख सकते हैं जो कि आईफिल टावर है आइसलैंड का, इस पार्क का है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग फोटो वगैरह ले लिए, अब जा रहे हैं आगे, क्या क्या है दिखाएंगे आपको। 500 रुपये का टिकट है तो आप समझ सकते हैं जो कि 15 एक्टिविटीज़ है और सारी एक्टिविटीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर बहुत ही डेंजर झूला भी है, तो झूलूंगा फिर आपको पूरा बहुत मज़ा आ रहा, धूप में भी बहुत मज़ा आ रहा है, इधर भी पानी है और इधर भी पानी है। तो अभी यहाँ पर फोटो लेना जी, यहाँ पर अभी फोटो पर भी हम लोग एक्टिविटीज करेंगे गाइस। यहाँ पर जो है स्विमिंग पूल भी है, लेकिन इतना जो है पानी साफ नहीं है जिसकी वजह से हम लोग यह स्विमिंग नहीं कर रहे हैं। सो गाइस बहुत ही खतरनाक वाला है, जो कि हम लोग भी इस पर जो है राइड करने वाले हैं और ये लोग को देख सकते हैं। और ये झूला जो है काफ़ी डर भी लगता है इस झूला में, हम लोग भी अभी इस पर राइड करने वाले, मज़ा लेने वाले हैं। बहुत मजा आ रहा है, बस
गाइज अभी जो है हम लोग इस झूले में जाने वाले हैं, जो कि ये झूला सबसे खतरनाक है और सबसे ज्यादा डर इसी झूला में लगता है। तो अभी जो हम लोग इस झूले पर जाने वाले हैं और देखते हैं फिर कितना मजा आता है, फिर आप लोगों को भी दिखाऊंगा। गाइज स्टार्ट हो चुका है हमारे थर्ड जो है झूला है, काफी मजा आने वाला है। सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी कब मजा खत्म गाइस, यहाँ से हम लोग जो मजा लेता है। सबसे ज्यादा अभी तक गाइस हमारे ये देखते हैं यहाँ पर मजा आता है। ये भी डेंजर है क्योंकि अभी हमको काफी उड़ान हो चुका है हमारा, अभी जो हम लोग काफी ऊपर आ चुके हैं फिर नीचे हो चुका हूँ। इसमें भी काफी मजा आ रहा है, इसमें भी काफी मजा आ रहा है। देखिए गाइस इसमें भी काफी मजा आ रहा है, एकदम अद्भुत एक्टिविटी है ये भी। किधर किधर जा रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ तेरी हो चुका गाइस, देख काफी शॉर्ट है। एक बार फिर हम लोग ऊपर चढ़ चुके हैं, अब मजा आएगा। देखिए अभी हम लोग जो है काफी ऊँचा आ चुके हैं और अभी जो हम लोग लैंड हो गए। यहाँ मजा आ रहा सबसे ज्यादा तेरी। गाइस हम लोग जो है एंजॉय करके अब बाहर निकल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों का हम लोग जो है मज़ा नहीं ले पाए हैं बिकॉज हमारे पास जो है उतना समय नहीं है। तो आप लोग जो है टाइम का खास तौर से ध्यान रखिएगा, 11 बजे से ही एक्टिविटी स्टार्ट होती है, तो आप लोग जो है खास तौर पर जो है टाइम का ख्याल रख कर ही घूमने आइएगा और पूरा दिन इंजॉय कर सकते हैं 500 रुपये का टिकट का, क्योंकि 15 एक्टिविटीज़ है यहाँ पर जो है और हम लोगों ने 4-5 एक्टिविटीज़ का मज़ा ले पाए हैं, बस देख पाए हैं कि कितना मज़ा आ रहा और कुछ चीज़ों का जो है प्रैक्टिकली जो है इंजॉय लिए हैं।
तो आप लोग जो है समय का खासतौर पर ध्यान रखकर घूमना आइएगा। हम लोग जो है अभी फिलहाल बाहर निकाल रहे हैं, तो ब्लॉग जो है यहाँ पर जो है एंड करूँगा। और यहाँ पर जो है मार्केट भी लगती है, यहाँ पर जो है मेट्रो वॉक नाम से मॉल भी है, शॉपिंग भी कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा लेकर ही साथ में घूमने आइएगा। तो